गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, फिजिकल एजुकेशन में हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9 और 10 हमारे दो ही चैप्टर बचे हुए हैं फिजिकल में। तो चैप्टर नंबर 9 जो आपका साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स है, जिसमें हम साइकोलॉजी का रोल स्पोर्ट्स में और उसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन से ऑमिटेड हैं। तो देखो, इसमें हमें फर्स्ट टॉपिक जो पढ़ना है वो है पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन एंड टाइप्स, ट्रेट एंड टाइप्स एंड बिग फाइव थियोरीज ऑफ पर्सनैलिटी। ये पहला टॉपिक है आपका। और सेकेंड टॉपिक है आपका मोटिवेशन पढ़ना है, उसके टाइप्स और टेक्निक्स हैं। और उसके बाद थर्ड टॉपिक है आपका एक्सरसाइज अडेरेंस, आपको पढ़ना है रीजन टू एक्सरसाइज, बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज पढ़ने हैं। फोर्थ टॉपिक है आपका स्ट्रेटजी फॉर एनहेंसिंग अडेरेंस टू एक्सरसाइज। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आपका फिफ्थ टॉपिक, मीनिंग कंसेप्ट एंड टाइप्स ऑफ अग्रेशन इन स्पोर्ट्स। तो ये कुछ टॉपिक हैं, फाइव टॉपिक हैं टोटल, ये आपको पढ़ने हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, चैप्टर नंबर 9 है हमारा साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा विच इज रिलेटेड टू द पर्सनैलिटी। ओके, और एक चीज़ और है कि साइकोलॉजी का जो मीनिंग है, साइकोलॉजी का बहुत अच्छे से स्टडी हम 11th क्लास में कर चुके हैं, जिसमें हमें साइकोलॉजी बताया जाता है कि साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। जब आप ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी करते हो, उसके अकॉर्डिंग उन्हें स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हो, तो हम साइकोलॉजी का यूज़ कर रहे होते हैं इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स। तो वही साइकोलॉजी है। देखो, साइकोलॉजी ही है जो आपकी पर्सनैलिटी को बाहर लाती है। जो भी आपका अपियरेंस है, आप कैसे हो, आपका बिहेवियर कैसा है, वो सारा स्टडी हमारा साइकोलॉजी से ही चलता है। और उसके अलावा देखो, स्टडीज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप एग्ज़ाम के फील्ड में हो, स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, इम्पॉर्टेंट है आपका मोटिवेशन। फिर वो मोटिवेशन एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, तो मोटिवेशन से ही आपको, मोटिवेशन आपको बूस्ट करता है, आपको एनहेंस करता है टुवर्ड्स योर स्टडीज़। तो हम मोटिवेशन की भी स्टडी करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले जो हमारा पहला टॉपिक है पर्सनैलिटी, हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज पर्सनैलिटी, इट्स डेफिनेशन, टाइप्स, ट्रेट्स एंड टाइप ऑफ बिग फाइव थ्योरीज। ओके, जिसमें पर्सनैलिटी की कुछ टाइप भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, पर्सनैलिटी का अगर मीनिंग देखें तो यहाँ पर एक लैटिन वर्ड होता है पर्सोना, जिससे आपका पर्सनैलिटी बना हुआ है। उस पर्सोना का मीनिंग है आउटर अपियरेंस। ओके, जब एंशियंट टाइम में, जब ग्रीक सिविलाइजेशन टाइम चल रहा था, तो कुछ लोग एंटरटेनमेंट के जो सोर्सेस थे लोगों के, वो ये था कि लोग फिजिकल अपियरेंस कुछ भी ऐसा पहनकर, ऊपर से कुछ भी मास्क पहनकर और लोगों को एंटरटेन करते थे, तो उस मास्क को पर्सोना कहते थे, उसी से पर्सनैलिटी लिया गया। बट जब पर्सनैलिटी का पूरा डिस्क्रिप्शन किया गया, तो देखा गया कि पर्सनैलिटी फिजिकली आउटर अपियरेंस से कुछ ज़्यादा है। पर्सनैलिटी सिर्फ ये नहीं कि आप कैसे नजर आते हो, पर्सनैलिटी आपका इनर बिहेवियर भी है। आप सोशली कैसे लोगों के साथ रिएक्ट करते हो, आप इमोशनली कितने बैलेंस्ड हो, आप मेंटली कितने स्ट्रोंग हो, तो वो सब पर्सनैलिटी में देखा जाता है। तो सिर्फ पर्सोना से पर्सनैलिटी मीनिंग बना है, बट पर्सनैलिटी कुछ फिजिकल अपियरेंस नहीं है, उससे कुछ ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पर्सनैलिटी की कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशन दी हुई हैं, जिसमें आपकी कुछ अल्पोर्ट के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है, पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन इंडिविजुअल एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरमेंट। अल्पोर्ट ने कहा कि पर्सनैलिटी उसका साइकोफिजिकल अपियरेंस है, जिससे कि वो अपने एनवायरमेंट के साथ एडजस्ट करना सीखता है। तो आपकी पर्सनैलिटी है जो आपको हर जगह एडजस्ट करवाती है, आपको किसी पर्टिकुलर जगह पर रहना सिखाती है। देखो, बहुत से तरह हर पर्सनैलिटी के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के लोग होते हैं, सभी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में फिट नहीं होते। किसी के लिए कोई दूसरी तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, किसी के लिए कोई दूसरी तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, तो वहाँ से हम पर्सनैलिटी को देखते हैं। वॉरेन के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन, पर्सनैलिटी इज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एट एनी स्टेज ऑफ हिज डेवलपमेंट। उसके डेवलपमेंट स्टेज पर उसका जो भी एंटायर ऑर्गेनाइजेशन है, कि वो अपने आप को कैसे ऑर्गेनाइज करता है, कैसे फिजिकली अपने आप को दिखाता है, कैसे वो मेंटली अपने आप को दिखाता है, कैसे उसका सोशल इंटरेक्शन है, तो उन सब से हम पर्सनैलिटी को देखते हैं। तो ये कुछ पर्टिकुलर डेफिनेशंस हैं, आपको दो या तीन डेफिनेशंस देखना है, इसका जो मीनिंग है कि पर्सनैलिटी का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, आपको वो समझना है। ओके, उसके बाद हम डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटीज पढ़ेंगे। डायमेंशन यानी कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं पर्सनैलिटी के। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, पर्सनैलिटी सिर्फ फिजिकल अपियरेंस ही नहीं है, पर्सनैलिटी में आपका मेंटल डायमेंशन भी आता है, आपका सोशल डायमेंशन आता है, आपका इमोशनल डायमेंशन भी आता है। तो वही एस्पेक्ट्स और वही डायमेंशन हमें पढ़ना है। तो पर्सनैलिटी, डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी में पहला है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल डायमेंशन इट मीन्स कि आप फिजिकली कैसे नजर आते हो। ठीक है, कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, आपको देखकर आपका
फिजिकली आपको देखकर, अभी आपने उनके साथ इंटरेक्ट नहीं किया, आपने अपनी इंटेलिजेंस उनके सामने नहीं दिखाई है, बट फिजिकली आपको देखकर वो पहचान सकते हैं कि आप किस तरह की पर्सनैलिटी के पर्सन हो आप, ठीक है। तो एक पहला फिजिकल डायमेंशन हो गया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद मेंटल डायमेंशन है। मेंटल डायमेंशन है कि आप कितनी इंटेलिजेंस आप में है, आप कितना लॉजिक कर सकते हो, आपकी रीजनिंग कैसी है, तो उससे आपकी पर्सनैलिटी को डिवाइड करते हैं। किसी की पर्सनैलिटी, किसी का मेंटल डेवलपमेंट कम होता है, उसकी पर्सनैलिटी डिफरेंट टाइप की होगी। उसके बाद सोशल डायमेंशन है, तो पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट और है सोशल डायमेंशन, जिसमें आपका सोशल इंटरेक्शन देखा जाता है कि आप किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हो, आपका बिहेवियर कैसा है, तो वो भी आपकी पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। ओके, उसके बाद फोर्थ डायमेंशन और लास्ट डायमेंशन है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल डायमेंशन यानी आप अपने इमोशंस पर कितना कंट्रोल करते हो, कहाँ आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने हैं, कहाँ उनको दबा कर रखना है, ओके, किस टाइम कितना इमोशन आपको एक्सप्रेस करना है, तो ये सारी चीज़ें इमोशनल डायमेंशन में आती हैं और आपकी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। तो टोटल चार डायमेंशन हो गए, फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल डायमेंशन। क्लियर। अब टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी यहाँ पर दिया हुआ है, तो टाइप ऑफ पर्सनालिटी में सबसे पहले ए टाइप ऑफ पर्सनालिटी है, बी, सी एंड डी टाइप ऑफ पर्सनालिटी है। फिर उसके बाद शेल्डन और जंग के अकॉर्डिंग अलग से क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, ये ए बी सी डी तो कॉमन क्लासिफिकेशन है पर्सनालिटी का, और शेल्डन और जंग के अकॉर्डिंग अलग क्लासिफिकेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले टाइप ए पर्सनालिटी देखते हैं। ओके, द इंडिविजुअल विद द टाइप ए पर्सनालिटी आर वेरी कॉम्पिटिटिव। तो सबसे पहला ए मीन्स कॉम्पिटिटिव होंगे, दे आर सेल्फ क्रिटिकल, वो खुद ही अपनी क्रिटिसिज्म कर लेते हैं कि हाँ मुझे ये कमी है या मैं ये कर सकता हूँ, दूसरों की जरूरत नहीं होती है। दे आर कैरेक्टराइज बाई हाई वर्किंग इन्वॉल्वमेंट, बहुत ज़्यादा वर्क किसी भी वर्क में इंडल्ज रहते हैं ये। दे आर इजिली एक्साइटेड एंड ऑइंग टू दैट दे यूजली फॉल प्रे टू हाइपर टेंशन, बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाते हैं वो, तो यही एक मतलब कि इनका एक्साइटेड होने के पीछे की वजह से ही ना हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम में देखी जाती है टाइप ए पर्सनैलिटी में। द एक्सपीरियंस ए परसिस्टेंट सेंस ऑफ अर्जेंसी, हमेशा इमरजेंसी में रहते हैं, सो दे सेम्स टू बी ऑलवेज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द क्लॉक, और वक्त से ऐसा लगता है टाइम से लड़ रहे हैं वो। दे क्विकली बिकम इंपेशेंट विद डिलेज, अगर किसी ने लेट कर दिया तो उन्हें गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो खुद पंक्चुअल होते हैं। ओके, सच टाइप ऑफ इंडिविजुअल कैन इजिली बी अराउज टू एंगर, बहुत जल्दी गुस्सा आता है उन्हें। ओके, नाउ टाइप बी की बात करते हैं, द इंडिविजुअल विद द टाइप बी पर्सनैलिटी आर नॉट कॉम्पिटिटिव इन नेचर, ए वाले कॉम्पिटिटिव थे, बी वाले कॉम्पिटिटिव नहीं है। They are easy going and patient, बहुत रिलैक्स रहते हैं ये। They usually do not become angry and hostile, जल्दी में नहीं होते हैं, ना इन्हें गुस्सा आता है। They are able to express their emotions appropriately, और जहाँ इन्हें emotions express करने वहीं ये express करते हैं, एक ही तरह नहीं कि हमेशा गुस्से में और जल्दी में रहते हैं। They are able to cope with stress effectively, और जो अगर कोई emergency आ गई है, कुछ गलत चीज़ हो गई, तो उसके साथ बहुत अच्छे से डील करते हैं ये। Now टाइप सी की बात करते हैं, द इंडिविजुअल विद दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी हैव प्लीजिंग एंड अपीजिंग नेचर, बहुत प्लीजिंग, खुश रहते हैं हमेशा। दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर इमोशन स्पेशली एंगर, उन्हें गुस्सा नहीं आता है। क्यूट आप समझ सकते हो, बहुत स्वीट से होते हैं। दे आर एबल टू सप्रेस देयर इमोशन एफिशिएंटली, अपने इमोशंस को भी दबा लेते हैं ये। दे आर लेथर्जिक, पैसिव, होपलेस एंड पेसिमिस्टिक, ये पैसिव होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, ओके, होपलेस होंगे ये। ओके, नाउ दे कैन डिनाई देयर ओन नीड्स, अपनी नीड्स भी ये छुपा लेते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते हैं इमोशंस को, अपनी जरूरतों को भी छुपा लेते हैं, ठीक है। नाउ टाइप बी की बात करते हैं, द इंडिविजुअल विद दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी यूजुअली सफर फ्रॉम हाई डिग्री ऑफ डिस्ट्रेस, अब टाइप डी वाले स्ट्रेस और डिस्ट्रेस में रहते हैं। दे परसिस्टेंटली सप्रेस देयर फीलिंग, अपनी फीलिंग्स को दबाए रखते हैं। सच पीपल डोंट शेयर देयर इमोशन विद अदर पर्सन बिकॉज दे ऑलवेज हैव अ फियर ऑफ रिएक्शन और डिसअप्रूवल, उन्हें लगता है कि मैं अपनी बात किसी से कहूंगा तो वो मुझे रिजेक्ट कर देगा मेरी बात को, तो वो अपना इमोशंस अपनी बात रखते ही नहीं है दूसरों के सामने। तो ये कुछ टाइप थे आपके, ठीक है। अब उसके बाद शेल्डन और जंग के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, एक बार उसे भी देख लेते हैं, शेल्डन एंड जंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। ट्रेड एंड टाइप्स ऑफ शेल्डन एंड जंग क्लासिफिकेशन एंड बिग फाइव थ्योरी है, ठीक है। सो सबसे पहला क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन गिवन बाय विलियम हर्बर्ट शेल्डन। शेल्डन ने देखो तीन तरह का क्लासिफिकेशन दिया पर्सनालिटी को, तीन टाइप में डिवाइड किया। आपने ये फोर टाइप तो पढ़ लिए जो कॉमन है, ए बी सी डी। अब शेल्डन एक साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने पर्सनालिटी को तीन टाइप में डिवाइड किया, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। देखते हैं क्या होता है तीनों में। एंडोमॉर्फ देखो, दिस इंडिविजुअल हैव शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स, यहाँ पर देखो अगर आप बुक पे देख सकते हो तो सिंपल क्लासिफिकेशन दिया हुआ है एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ का। तो एंडोमॉर्फ की हम बात कर रहे हैं, एंडोमॉर्फ क्या होता है कि इनकी आर्म्स और लेग्स छोटे होते हैं। सबसे पहले तो फिजिकल अपीयरेंस बता दिया, दे हैव राउंडेड फिजिक और गोल फिजिक्स होती है, थोड़े मोटे होते हैं। देयर लिम्स सीम्स टू बी शॉर्टर, हाथ पैर उनके छोटे होते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिपॉजिट ऑफ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यूज वो टिश्यू है जहाँ फैट्स जमा होती है,
तो इनके पास फैट जमा करने वाले टिश्यू ज़्यादा होते हैं, तो थोड़े से ये चबी से थोड़े मोटे नजर आते हैं। द अपर पार्ट ऑफ आर्म एंड लेग्स आर सिग्निफिकेंटली थिकर देन द लोअर पार्ट, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है उनका वो ज़्यादा मोटा होता है। ओके, नाउ इट इज़ हार्ड फॉर देम टू लूज वे, ऑब्वियसली इतना ज़्यादा वजन है तो उनके लिए वे लूज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इन फैक्ट दे आर मोर इंडेड टू बिकम ओबेस, और बहुत जल्दी मोटे हो जाते हैं। दे हैव पियर शेप बॉडी, पियर शेप बॉडी होती है। देर एक्सेसिव मास हिंडर्स देर एबिलिटी टू कम्पीट इन स्पोर्ट्स, और इतना ज़्यादा मास है कि वो स्पोर्ट्स में कम्पीट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ओके, ये तो एंडोमॉर्फ हो गए। इसके बाद मीजोमॉर्फ की बात करते हैं। मीजोमॉर्फ आर कैटेगराइज एज इन बिटवीन द अदर टू बॉडी टाइप्स। ओके, आपने एंडोमॉर्फ पढ़ लिया, उसके बाद आप मीजोमॉर्फ पढ़ रहे हो, तो मीजोमॉर्फ से पहले हमें एक्टोमॉर्फ समझना होगा। एंडो और एक्टो के बीच की जो ट्रेड्स होते हैं वो मीजोमॉर्फ में होते हैं, तो मीजोमॉर्फ को बाद में डिस्कस करेंगे, आप एक्टोमॉर्फ देख लेते हैं। एक्टोमॉर्फ्स हु हैव एंड एक्टोमॉर्फ बॉडी आर यूजुअली रेफर टू स्लिम पर्सन बिकॉज देयर मसल्स एंड लिम्स आर एलोंगेट। जिस तरह से देखो आपने एंडोमॉर्फ पढ़ा है, बिल्कुल शॉर्ट सी बॉडी होती है ये, जो थर्ड वाला टाइप है ना एक्टोमॉर्फ, ये इनकी जस्ट अपोजिट होता है। ठीक है, इनका बॉडी और इन दोनों के मिड के जो कैरेक्टर्स हैं वो मीजोमॉर्फ में होते हैं। ठीक है, तो एक्टोमॉर्फ का बॉडी स्लिम होता है, दे हैव वीक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बॉडी एंड यूजुअली फेस ग्रेट डिफिकल्टी इन गेनिंग वे। इनके लिए वे गेन करना मुश्किल होता है, जबकि एंडोमॉर्फ के लिए वे को लूज करना मुश्किल होता है। ओके, दे हैव फ्लैट चेस्ट एंड हैव लेस मसल्स मास। द लैक ऑफ मसल्स मास क्रिएट द इंप्रेशन दैट दे आर टॉलर एंड देन दे रियली आर। ओके, इनकी मास पर इनकी लेग्स पर मास कम होता है, वजन कम होता है लेग्स पर, तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लंबे हैं ये, जबकि इतने लंबे होते नहीं। दे हैव क्विक मेटाबॉलिज्म टू बर्न फैट, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है जिससे बर्न इजीली फैट्स को बर्न करते हैं। दे ऑल्सो हैव अ टेंडेंसी टू स्टिक विद द व्हाट दे डू बेस्ट। ओके, और हमेशा इनकी टेंडेंसी होती है कि मुझे अच्छा करना है कुछ। दे लाइट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन मेक देम स्टडीड फॉर एरोबिक एक्टिविटी लाइक जिमनास्टिक, और जिमनास्टिक के लिए बहुत अच्छी इनकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ये हो गया एंडो और एक्टो, दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। अब इनके बीच के कैरेक्टर्स मीजोमॉर्फ में मिलेंगे। देखो, मीजोमॉर्फ आर कैटेगराइज्ड एज इन बिटवीन द अदर टू बॉडी टाइप्स। ओके, दे हैव एथलेटिक फिजिक एंड बैलेंस्ड बॉडी कंपोजिशन। एथलेटिक टाइप की फिजिक होती है, बिल्कुल परफेक्ट बॉडी बैलेंस होता है। ओके, दे आर एबल टू इंक्रीज देयर मसल साइज क्विकली एंड ईजिली। अब इनके लिए अपनी मसल्स का साइज को बढ़ाना बहुत आसान होता है, इसीलिए बॉडी बिल्डिंग करके बहुत अच्छा सा बॉडी शेप गेन कर सकते हैं। दे हैव थिक बोन्स एंड मसल्स। ओके, द चेस्ट एंड शोल्डर्स आर लार्जर एंड ब्रॉडर इन कंपैरिजन टू देयर बेस्ट लाइन। दे आर फिजिकली कैपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। ओके, दिस कैरेक्टरिस्टिक्स मेक देम स्ट्रॉन्ग कंटेंडर टू बी द टॉप स्पोर्ट्स पर्सन इन एनी स्पोर्ट्स। अब इनकी ये जो फिजिक वाली बात है ना, तो उससे ये बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन टाइप हमारे हो गए। अब जुंग के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। जुंग ने भी अपना क्लासिफिकेशन दिया, जुंग भी एक साइकोलॉजिस्ट है। शेल्टन का क्लासिफिकेशन हमने देखा, अब जुंग का देखते हैं। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट इन्होंने कहा। जैसे कि हमने सुना है, इंट्रोवर्ट यानी अपने अंदर ही डूबे रहते हैं, ठीक है, थोड़े शाई नेचर के होते हैं, लोगों से कम इंटरेक्ट करते हैं, जबकि एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, यानी अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना इन्हें पसंद होता है। उसके बाद अगर आप एम्बीवर्ट देखोगे, तो एम्बीवर्ट में दोनों के मिले जुले कैरेक्टर्स होते हैं, ना वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं ना ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं। ओके, सो इस तरह से हम शेल्डन और जुंग के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखते हैं। फिर बिग फाइव थ्योरी है, पर्सनैलिटी की बिग फाइव थ्योरी, उसे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बिग फाइव पर्सनैलिटी थ्योरी में देखो, पाँच थ्योरीज हैं पर्सनैलिटी की, जिसमें से पहला है ओपननेस, दूसरा है कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन है, फोर्थ एग्रीएबलनेस है, और न्यूरोटिज्म है। तो हम ओपननेस की बात करते हैं। पर्सन हु लाइक टू लर्न न्यू थिंग्स, यानी ओपननेस, यानी बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होते हैं, ओपननेस होती है, नई नई चीज़ें इन्हें सीखना पसंद होता है। उसके बाद कॉन्शियसनेस है, कि इस तरह के पर्सनैलिटी वाले लोग क्या होते हैं, ज़्यादा कॉन्शियस करते हैं चीज़ों पर। ओके, और थर्ड है एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन मीन्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद अदर इंडिविजुअल। एक्सट्रोवर्ट का मतलब ही क्या है, कि दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा खुले हुए होते हैं, ये अपनी एनर्जी ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करने में वेस्ट करते हैं। उसके बाद फोर्थ है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस में देखो, सच इंडिविजुअल्स आर फ्रेंडली, एग्री होते हैं हर किसी से, तो बहुत अच्छे से ये दोस्ती कर सकते हैं, इनकी फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा होता है। ओके, और ये बहुत इजीली बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं हर जगह पर एग्रीएबलनेस में। उसके बाद फिफ्थ, बिग फाइव थ्योरी में फिफ्थ है न्यूरोटिसिज्म। न्यूरोटिसिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल स्टेबिलिटी। न्यूरोटिसिज्म यानी ये इमोशनली स्टेबल होते हैं, इन्हें अपने इमोशंस कहाँ एक्सप्रेस करने बहुत अच्छे से पता होता है। दिस डोमेन रिलेट टू वंस इमोशनल स्टेबिलिटी एंड द डिग्री ऑफ नेगेटिव इमोशन। इनके पास नेगेटिव इमोशंस बहुत कम होते हैं। तो इस तरह से हमने आज पर्सनैलिटी को समझा है। ओके, उसके बाद जब भी हमारी क्लास होगी, तो हम मोटिवेशंस के टाइप्स
देखेंगे, एग्रीएबलनेस जो भी है हमारा वो सब डिस्कस करेंगे। तो आज हमने पर्सनालिटी के बारे में डिस्कस किया है, क्वेश्चंस कौन से करने हैं ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।